सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों से, बहुत ही बस क्रिएट किया है। सबसे पहले ये जानना चाहिए क्या कमेंट्स मिल रहे हैं आपके फ्रेंड्स से और इंडस्ट्री फर्टिलिटी से? सारे लोग यही बोल रहे हैं कि वी आर वेटिंग फॉर दिस मूवी बेसिकली। ट्रेलर ने जो क्यूरियोसिटी क्रिएट किया है वो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि इतना, मुझे आशा हमेशा से थी लेकिन इतना अधिक मैंने भी आशा नहीं किया था। काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं, हर 5 मिनट में मैं मैसेजेस का जवाब देते रहता हूँ। सारे लोग इस फिल्म के लिए इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी बेसब्री से, और 26 को और उसके बाद के वीक्स में हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ओके, थोड़ा मूवी के बारे में जानना चाहे, गांव द विलेज नो मोर, थोड़ा उसके बारे में अगर बता सके तो बहुत अच्छा। गांव जो है वो मेरे खुद के गांव की कहानी है और वहाँ से प्रेरित है, बेसिकली ये मेरे गांव से प्रेरित है, लेकिन ये हर गांव की कहानी है। मैं फिर से लूँ? ठीक है, लो कैमरा दीजिए, कैमरा को लुक दो। अच्छा, गांव जो है वो मेरे गांव से प्रेरित है कहानी, लेकिन ये हर एक गांव की कहानी है। जैसे गांव विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ये उसकी कहानी है। इन द नेम ऑफ मॉडर्निटी, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ स्मार्ट सिटीज़, वी आर डिस्ट्रॉइंग आर विलेजेज। ये जो सिटी आइडियाज़ लेकर हम गांव में जाते हैं और गांव की ज़मीनें खोद करके माइनिंग करते हैं, वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस करते हैं, जंगल उजाड़ते हैं, पहाड़ काटते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली कॉजिंग डिस्ट्रक्शन इन द सोसाइटी, विलेज सोसाइटी, और इससे बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारे गांव विकसित हो रहे हैं, कोई विकसित नहीं हो रहे हैं। वहाँ जो है वो बहुत सारे सोशल इशूज आ रहे हैं और जो हमारे हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग एक फैशन बन गया है, कभी बच्चे उठाने के नाम पे, कभी बीफ के नाम पे, ये सब गांवों में सुनने को नहीं मिलता था। रेप्स की घटनाएं जितने गांव से आ रही हैं, ये हो रहा है कि इनोसेंट विलेज मैन इज़ ट्राइंग टू कॉपी द सिटी लाइफ स्टाइल विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज। गाँव जो हमारी फिल्म है वो इन्हीं सब सवालों को पूछती है और उन्हीं का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। ओके, आपने ट्रेलर में देखा कि धीरे धीरे लैंड्स जो बिल्डर्स रहते हैं वो बाय कर लेते हैं और वहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो ले लेते, और अभी भी हमने देखा कि आर्य कॉलोनी में भी यही इशू आया है, उसके वजह से हम रेन बहुत जो कम है वो बहुत कम हो चुके हैं, धीरे धीरे लैंड्स ग्रीनरी कम होते जा रही, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज इसके थ्रू आपने बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। यही हो रहा है हमारे गाँव में, हमारे शहरों में भी। हर हम चाहते हैं कि हर गांव एक शहर बने, कभी ये कोई कोशिश नहीं करता कि कोई शहर गांव बने। हम मैच बॉक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं हर जगह और उसको हम विकास का नाम देते हैं। हम फैक्ट्रीज डालना चाहते, ये जो है वो चंद लोग हैं जिनको हम अमीर बनाते जा रहे हैं। आपको तो पता है कि भारत की 1% पॉपुलेशन के पास जो है वो भारत की ऑलमोस्ट 70% जो है वो पैसे हैं और एसेट्स हैं, और बाकी के पॉपुलेशन जो है ये जो है उन चंद लोगों का एक एजेंडा है जो वो पेश करते हैं कि हाँ स्मार्ट सिटीज़ बनाओ तब डेवलपमेंट होगा, स्वच्छ भारत लाओ। अरे कौन से स्वच्छ भारत, गांव हमारे गंदे थोड़े हैं, गाँव से स्वच्छ क्या है? वो योजना आप शहरों में लाओ ना, गाँवों को, गाँव की क्वालिटीज़ को लेकर के विकास की योजना हमें बनानी चाहिए। और इन्हीं सब बेसिकली जो गांव फिल्म है वो इन्हीं दो भारत, एक भारत जो गांव में रहता है और एक भारत जो शहर में रहता है, इनके बीच की दूरियां और इनके बीच के डिफरेंसेस, इनके बीच के मन मिलाप और इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सबों को दर्शाता है कि दोनों को अलग अलग आइडिया चाहिए, दोनों को अलग अलग प्लान चाहिए। और बेसिकली हमने बहुत सारा कॉमेडी रखा है, फिल्म जो है वो
इंटरटेनमेंट से भरी हुई है। जब आप गांव देखकर बाहर निकलेंगे तो तब लगेगा कि गांव से हम बाहर निकलें, और गांव से बाहर निकलने के बाद जो कल्चरल शॉक, जो पहली बार जब कोई गांव से बाहर निकलता है और शहर में आता है, जो कल्चरल शॉक लगता है, वही होने वाला है आपके साथ जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे। एक रियल दुनिया में आएंगे, जब कोई भी भागता हुआ आपको पुश करके चला जाएगा और आपके चारों तरफ भागते हुए लोग आएंगे, तो वो कल्चरल शॉक लगेगा। ओके, गांव जो स्टोरी है आपकी निजी ज़िंदगी से बहुत इंस्पायर्ड है, आपने उसमें अपने जीवन में जो घटी है वो बहुत सारे इंसिडेंट डाला है, कब आपने सोचा कि ये मूवी इस पर बननी चाहिए या ये इंसिडेंट होना चाहिए, इस पर डालनी चाहिए ये मूवी? ये मैंने 5-6 साल पहले जब मैं गांव अपने गांव गया और वहाँ जब हालात देखे, तो और फिर मैंने इसका अध्ययन किया, पूरी दुनिया में जो गाँव हैं हर जगह यही हो रहा है, जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी था वो ख़त्म होकर के इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी बनता चला जा रहा है। गांव में अब वैसे त्यौहार नहीं मनते जैसे मना करते थे, गांव में जो शाम में जो नुक्कड़बाजी हुआ करती थी वो अब नहीं होते, गांव में अब कहानियां कोई नहीं सुनाता, गांव में लोरियां नहीं गाई जाती, गाँव भी अब शहर हो गया है जहाँ पे मोबाइल पे गाने बजते हैं, लाउड स्पीकर चलते हैं, एक नॉइजी प्लेस हो गया है। और ये जर्नी मैंने अपने गांव की देखी है जब मैं बचपन में था और आज, और उसे मैं कैप्चर नहीं कर पाया, तो फिर मैंने उन सारे इवेंट्स को लेकर के ये कहानी लिखी। ये 40 साल में जो जो घटनाएं हुई उसकी कहानी, कि कैसे मनी केम टू आवर विलेज एंड हाउ इट करप्टेड द ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन सोल and how we are not what we used to be, we lost our identity. Okay, ये movie 26 को release हो रही है, उसके साथ सैफ अली खान की भी movie आ रही है बाजार, building आपका कहीं ना कहीं movie को effect होगा क्योंकि बड़े star है, और उसके अलावा काशी movie भी है शर्मन जोशी की, बहुत time बाद वापस है, कहीं ना कहीं आपको movie कहीं effect होगी आपको लगता है? नहीं, ये हमारी जो movie है वो काफी unique है, ये इसी कहानी जो unique है, इसका कोई parallel नहीं है, और ये हर एक की कहानी है, ये कोई भी अछूता नहीं है, हर कोई एक गांव से आया है और ये उसकी कहानी है। बॉलीवुड में इनफ स्पेस है बहुत सारी मूवीज़ के लिए एक साथ खुलने के लिए, आई एम श्योर विथ अलॉन्ग विथ ऑल दोज मूवीज़ दिस मूवी विल डू वेरी वेल। ओके, लास्टली 26 को ये मूवी आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को और क्या मैसेज देना चाहेंगे गाँव मूवी के लिए? आइए 26 को हम सब गाँव चलें और अपनी संस्कृति को, अपनी एंसेस्ट्री को हम जानें और देखें कि हमने क्या मिस किया है इन 40-50 सालों में, और अगर कुछ है उसमें से कुछ वापस जाने की, तो हम वापस जाने की कोशिश करें।